सो हेलो यूट्यूबर्स, दिस इज टेकीला। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पीसी को बेस्ट परफॉर्मेंस मोड पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक सिंपली एक टूल ही है जो विंडोज ने हमारे लिए अवेलेबल करा है एज अ टूल। तो आपको अपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस या फिर एडजस्ट द अपीयरेंस टाइप करना है। तो जब आप परफॉर्मेंस टाइप करेंगे तो वहाँ पे एक सेटिंग्स बनी आ जाएगी। तो जैसे आप उसे खोलोगे तो एक पॉपअप आएगा। तो इस विंडो पे सबसे पहला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है कि लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। तो आपको बस यहाँ पे नीचे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। तो ये क्या करता है, जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हुए एनिमेशन आती है विंडोज़ के एप्लीकेशन की वो हट जाती है, जो माउस पॉइंटर के नीचे से शेडो आती है वो हट जाती है, विंडोज़ के अंदर जो अलग अलग तरह के डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं या फिर एप्लीकेशन जो चल रही होती है जब आप उसे टच करते हैं तो उसकी एनिमेशन हट जाती है। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं और कई सारी एनिमेशन है जो इसको करके हट जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपका ग्राफिक्स है या फिर आपका जो प्रोसेसर है, वो एनिमेशन को प्रोसेस नहीं करता क्योंकि एनिमेशन ही बंद हो चुकी है। तो बस इससे क्या होता है, पीक की जो एनिमेशन है जैसे वो बंद हो जाती है। जब आप टास्क बार पे किसी भी एप्लीकेशन को टच करते हैं उसकी भी एप्लीकेशन जो उसकी एनिमेशन है वो भी हट जाती है। ड्रॉप शैडो जो होता है आइकन लेबल्स के नीचे वो भी हट जाता है। तो बस ये सब चीज़ें जैसे ही हट जाती है तो आपका पीसी अपने आप फास्ट हो जाता है क्योंकि वो एनिमेशन में वर्क नहीं करता। तो बस आपको इसमें दो ऑप्शन टिक करने होते हैं, जैसे शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन्स और एक ये स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको थंबनेल तो दिखेंगे और पीसी आपको वैसे ही लेगा बट आपकी सारी एनिमेशन हट जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय।